गुड मॉर्निंग क्लास फोर के बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी एक्सरसाइज 13 बुद्धि का बल यह बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को आप लोग अपने साथ किताब सामने में रखिए और देखिए कि यह कहानी हमें क्या कहता है। बुद्धि का बल कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बलशाली क्या होता है, तो वह होता है बुद्धि। शरीर से, शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण होता है बुद्धि का बल। इससे बड़ी से बड़ी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है और बड़े से बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को पराजित किया जा सकता है। बुद्धि के बल से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि इस कहानी में अतिभव है और दादी से बातचीत कर रहा है। दादी उसे यही चीज़ समझा रही है कि बुद्धि का बल जो होता है वह शारीरिक बल से ज़्यादा मजबूत होता है और उससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तब अतिभव के भी समझ में आता है, एक मुहावरा उसे याद आता है। एक मुहावरा है, अक्ल भरी या भैंस, अक्ल भरी या भैंस, जिसमें बुद्धि शरीर बल, शारीरिक बल से बड़ी होती है। इसका अर्थ होता है कि बुद्धि जो है वह शारीरिक बल से बड़ा होता है। तो दादी बोली, फिर सुनो, प्राचीन काल में एक राजा भोज थे, वे विद्वानों का आदर करते थे, उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। एक बार राजा भोज के दरबार में मंत्रीगण एवं अन्य विद्वान उपस्थित थे। तभी एक द्वारपाल वहां आया, उसने अभिवादन किया और राजा को बताया कि एक बालक द्वार पर खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहता है। राजा ने द्वारपाल से कहा, जाओ उसको अंदर भेज दो। बालक अंदर आ गया, उसने राजा को नमस्कार किया और बोला, हे राजन, मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। आपके दरबार में कई विद्वान पुरुष हैं, मुझे आशा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। राजा भोज को प्रश्न जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने बालक से कहा, तुम निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछो। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रश्न है, बुद्धि कहाँ रहती है? सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने मंत्री से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। मंत्री ने उत्तर देने के लिए एक दिन का समय मांगा। राजा ने बालक को अतिथि गृह में ठहरा दिया। मंत्री रात्रि में चुपके से अतिथि गृह में पहुँच गए। उसने बालक को 1000 स्वर्ण मुद्राएँ देने का वचन दिया। बालक ने मंत्री को उत्तर बता दिया। अगले दिन राजा, बालक एवं सभी विद्वान राजा राज्यसभा में उपस्थित थे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी उत्तर दीजिए। मंत्री बोला, हे राजन, बुद्धि श्रेष्ठ व्यक्ति में रहती है। बालक इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। उसने उत्साहपूर्वक दूसरा प्रश्न पूछा, बुद्धि क्या खाती है? राजा समेत सभी विद्वान प्रश्न सुनकर चकरा गए, उन्हें उत्तर नहीं सूझा। राजा ने पुनः मंत्री से उत्तर देने के लिए कहा। मंत्री ने बालक से एक दिन का समय फिर मांग लिया। पहले की तरह मध्य रात्रि में मंत्री बालक के पास अतिथि गृह में पहुंच गया। उसने बालक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उत्तर जान लिया। दूसरे दिन राज्यसभा में बहुत लोग एकत्रित थे। बच्चे ने अपना प्रश्न दोहराया। मंत्री जी ने उत्तर दिया, बुद्धि अज्ञानता खाती है। इस तरह से वह बालक कई सारे प्रश्न को राजा भोज के दरबार में रखता है और बारी बारी से वह सारे प्रश्नों का उत्तर अतिथि गृह में मंत्री को रात में जब वह आता है तो दे देता है। इस तरह से सारे लोग समझते हैं कि मंत्री जो है वह बहुत बुद्धिमान है। अब देखिए फिर क्या है, इस तरह से और भी सारे प्रश्न हैं। मंत्री ने बालक से कहा, हे बालक, अगले दिन मंत्री सभासद के पास राजा भोज मंत्री से कहा, आप तो बुद्धिमान है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मंत्री मुँह लटकाए खड़ा रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने नहीं बताया था, बालक तुम ही इस प्रश्न का उत्तर दो। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब आप जानते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ। बुद्धि क्या करती है? यहाँ देखिए, एक प्रश्न यहाँ भी दिए हुआ है, आप किताब से पढ़िए। सारे प्रश्न को आप किताब से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके यह समझ में नहीं आएगा। तो आप तो बुद्धिमान है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मंत्री मुँह लटकाया खड़ा रहा। जब राजा ने उसे कहा कि तुम ही इस प्रश्न का उत्तर दो, बालक ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि इसका मतलब है मैं बुद्धिमान हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, निसंदेह हम सबसे बुद्धिमान हो। बालक विनम्रतापूर्वक राजा से बोला, महाराज पहले आप राज सिंहासन से नीचे उतर जाइए, फिर मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा भोज बालक की बात को समझ नहीं पाए, प्रश्न का उत्तर जानने की उत्सुकता में वे सिंहासन से उतर आए। बालक तुरंत आगे बढ़ा और कूद कर सिंहासन पर बैठ गया। वह सभी उपस्थित जनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी महामंत्री ने झुंझलाते हुए कहा, बालक देख क्या रहे हो, शीघ्र प्रश्न का उत्तर दो। बालक ने शांत स्वभाव से कहा, आपका
उत्तर आपके सामने है। राजा भोज ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बालक तुमने तो उत्तर नहीं दिया ही नहीं, फिर हमारी समझ में कैसे आएगा। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, बुद्धि के बल से ही मैं सिंहासन पर बैठ गया और आप सिंहासन से हट गए। इतना कहकर वह सिंहासन से नीचे उतर आया। राजा ने बालक को गले लगा लिया और उसके बुद्धि बल की प्रशंसा की। राजा को बालक ने बताया कि वह निर्धन है, इसलिए विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता है। राजा भोज ने बालक की व्यथा सुनी तो उसका मन करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत महामंत्री को आदेश दिया कि राज्य की ओर से इस बालक को पढ़ने की व्यवस्था की जाए, साथ ही राज्य के अन्य निर्धन बालकों को भी विद्यालय भेजने का प्रबंध किया जाए। राजा भोज की उदारता देखकर सभी उपस्थित जय जयकार करने लगे। कहानी सुनकर अतिभव बोला, दादी आपको इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ कैसे याद आई। दादी बोली, बेटा बचपन में हर बच्चा अपनी दादी और नानी से कहानियाँ सुनता है और बड़ा होकर वह छोटे बच्चे को ये कहानियाँ सुनाता है। यह प्रथा बरसों से चली आ रही है। तो अतिभव बोला, अच्छा दादी, कल के लिए कोई नई कहानी याद रखना, अब मैं सोने जाता हूँ। इस तरह से आपकी यह कहानी समाप्त हो गई। अब दूसरे दिन मैं आपको इस कहानी के उत्तर प्रश्नों को बताऊँगा।